हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास हो। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। ये छोटे से वीडियो में हम लोग ये देखेंगे, इंग्लिश का एक सेक्शन होता है। देखिए, इंग्लिश मेनली तीन चीज़ अगर आप कर लेते हैं स्ट्रांग, तो इंग्लिश आपका बहुत ही अच्छा हो सकता है। सबसे पहला ग्रामर सेक्शन, उसके बाद आपको हो गया वोकैब, उसके बाद रीडिंग सेक्शन। तो रीडिंग सेक्शन के लिए हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप वोकैब को कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं। ठीक है, वोकैब अगर स्ट्रांग हो जाएगा तो आपका मतलब जो है इंग्लिश का जो रीडिंग में भी बहुत काम आने वाला है। दूसरा, आपको वोकैब का अलग से सेक्शन आता है, जैसे SSC के एग्जाम में अगर बात करें तो उस पर कुछ तीन चार क्वेश्चन भी आ जाते हैं डायरेक्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नीतू सिंह मैम का जो है ये वाला बुक लेना है आपको। ठीक है, ये इंग्लिश का है और ये वॉल्यूम वन है। देखिए, ये 2022 का है, रिवाइज एडिशन। अगर आपके पास ये है तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है, 2018-2016 का भी चल जाता है, बस थोड़ा सा अपडेटेड होता है। तो अगर आपको लगता है कि लेना है अपडेट वर्जन तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज पुराना रिवाइज वर्जन भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये 2020 का, इसी से मैंने SSC CGL 2023 का पूरा अच्छे से तैयारी किया था। और यकीन मानिए, सारा वोकैब जो है इसी बुक से है, आपको कहीं एक्स्ट्रा बाहर जाने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको ये बुक लेना है। यह बुक लेने के बाद इसमें जितना भी वोकैब सेक्शन है, एक तो ग्रामर सेक्शन का हम लोग इसमें बात नहीं करेंगे, सिर्फ वोकैब का बात करने वाले। तो देखिए, इसमें ऑलरेडी वोकैब भी, यहाँ पे बहुत सारा वोकैब दिया हुआ है, इसी को आप कर लेते हैं ना तो इससे बाहर आपको नहीं जाने वाला है। ऑलमोस्ट 2000 वोकैब सब मिला के, सिनोनिम, एंटोनिम्स, प्लेजर वर्ब सब मिला के आपको आ जाएगा यहाँ पे। देखिए, फ्रेजल वर्ब है, फिर इसको सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है, ये जल्दी याद नहीं होता है। इसको आपको रोज 20-20 याद करके रोज रिविजन करना है। ठीक है, और हो सके तो आप लिख के इसको याद कीजिए, तभी आपको याद होगा। और ये जो सेंटेंस है ना, देखिए ये सब सेंटेंस को लिखा कीजिए साथ में, तभी याद होगा। उसके बाद फ्रेजल वर्ब बात करने के बाद यहाँ पे सीधा आ जाइए, ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे वोकैबुलरीज का 26 चैप्टर में, इसमें देखिए ये जो दिया हुआ है वन वर्ड्स वगैरह सब, इसका जो मीनिंग सब दिया हुआ है, इसको आपको याद करना है। ठीक है, काफ़ी वोकैब का आपको सोचना ही नहीं है, बस ये बुक तो आपको जरूर करना है। इसमें देखिए बहुत सारे हैं, मैंने पूरा याद किया था इसको। आप शुरू में याद कीजिएगा तो आपको 20-20 होगा, फिर 50-50, और एक दिन में आप 100-100 वोकैब याद कर सकते हैं। बस रिवीजन आपको जरूर करना है। ठीक है, पूरा अच्छे से रिवीजन करना है। यहाँ पे टोटल देखिए 722 है, इसको कंप्लीट करना अच्छे से। उसके लिए यहाँ प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, ये प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको ये वाला कुछ वोकैब है यहाँ पे, इसको भी याद करना है। ठीक है, जितना भी इसमें वोकैब है सब आपको कर लेना है, इसी बुक ये इनफ है। ठीक है, SSC के एग्जाम के लिए ये इनफ है। उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा क्या करना है वो भी बताएंगे इस छोटे से वीडियो में। देखिए, यहाँ भी वोकैब है, तो ये सारे वोकैब जो भी प्रीवियस ईयर में हुआ है, नहीं तो मैंने सभी को इसमें रखा है, और इससे बाहर नहीं आने वाला, ये इनफ है। ठीक है, अब बेकार का 5000-10000 जो रट के फायदा नहीं है। यहाँ पे वन वर्ड है, देखिए ये सारा आपको याद करना है, और इसको जो है याद करने के बाद फिर यहाँ पे सारा आपको याद कर लेना है। इसमें ऑलमोस्ट देखिए 504 यहाँ पर है, और ये प्रैक्टिस के लिए। तो वोकैब के लिए आप ये करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एडियम्स एंड फ्रेजेस है, ये भी दिया हुआ है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर एडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं आने वाला है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मिला लीजिएगा अच्छे से, ये बुक से इसमें आने वाला, क्योंकि मैंने दिया एग्जाम तो हमको पता है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए चैप्टर 32, यहाँ एडियम्स एंड फ्रेजेस है, इसमें भी कुछ है, तो इसको भी आप कवर कर लीजिएगा। सारे जितना भी यहाँ पे वोकैब का सेक्शन है, एडियम हो, चाहे अब एडियम हो, फ्रेजल वर्ब हो, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सारे कर लेना है। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद, ये बुक को कंप्लीट करने के बाद आपको करना क्या है, जो आप मॉक टेस्ट देते हैं ना, मॉक टेस्ट जैसे आप देते हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट देने के बाद आपको एक कॉपी बना के रखना है। एक कॉपी में जो भी वर्ड आपको नहीं समझ में आता या नया वर्ड आ रहा है, चाहे वो आपको रिसेंट प्रीवियस ईयर में कुछ मॉक टेस्ट कौन सा देते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आया, जैसे SSC CGL का देना है आपको, CGL 2022 का पूरा दे दीजिए, 23 का प्रीलिम्स पूरा दे दीजिए, जो भी नया नया उसमें वर्ड सब आएगा, तो इस तरह से आपको एक कॉपी में लिखते जाना है। ठीक है, इसमें रोज लिखना है। ठीक है, नया नया वर्ड जो भी आपको मिलते जाएगा, जो आपको नहीं समझ आ रहा है वो लिखते जाना, और इस कॉपी को आपको रोज पढ़ना है, 10-15 मिनट रोज रिवीजन करना है, गो थ्रू करना है। इस तरह से आप कॉपी बनाइए, यकीन मानिए आपका सारा वोकैब जो है कवर हो जाएगा। ठीक है, ये करना है, एक काम ये कर लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बुक का वोकैब याद कर लेना है, उसके बाद आपको कॉपी बना लेना है अपने लिए। ठीक है, कॉपी बनाने के बाद द पंडित ग्रुप है टेलीग्राम में, उसको ज्वाइन कर लेना है। उसमें से प्रीवियस ईयर के जो भी एग्जाम्स हुआ है, रिसेंट का जो भी एग्जाम होता है, चाहे वो SSC का, CGL हो गया, CPU हो गया, MTS हो गया, CGL हो गया, इस सारे का जो वोकैब होता है ना, वो आपको जो है PDF के रूप में मिल जाता है, तो उसको वहां से कवर कर लेना है। तो इतना करना है, आपका वोकैब कवर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, आपको एक चीज और कर सकते हैं, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया था, टारगेट बेसिस पढ़ाई कीजिए। इस तरह से आप टारगेट बना लीजिए, ठीक है, जो आपका ड्रीम पोस्ट है यहाँ पर लिख दीजिए, और ये चेकबुक्स बनाइए। जैसे जैसे आपका टारगेट खत्म होते जाता है अचीव, जैसे रीजनिंग का वीडियो है, एक घंटा का वो वीडियो देख लीजिए, इसमें टिक मार दीजिए, फिर रीजनिंग का मॉक टेस्ट दे दिए, ये टिक मार लीजिए। ठीक है, मैथ का मॉक टेस्ट ये दे लीजिए, और इसी तरह से देखिए आज का टारगेट है ये।
कल रात को बनाना है ये, ठीक है? एक मतलब रात को ही बना लेना है, 12 बजे 11 बजे जब भी आप सोते हो तो भी बना लेना है, दूसरा दिन सुबह में नहीं बनाने तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे डे 7 है, डेट लिख दिए, कितना दिन बचा हुआ आपके एग्जाम का, ठीक है? यहाँ पे देखिए 55 डेज का टारगेट लेके 49 है, इससे पहले भी चला था। उसके बाद आपको यहाँ पे मेडिटेशन प्लस वर्कआउट 10 मिनट आपको करना है, 20 मिनट करना है, फिर आपको क्या क्या पढ़ना है वो सारे आपको यहाँ पे इस तरह से लिस्ट बना के रख लीजिए, और जो नेक्स्ट डे होगा उसको यहाँ पे फुलफिल कीजिए। इससे क्या होता है ना, आपका हर एक टाइम यूज होगा, ठीक है? हर एक टाइम यूज होगा और कोई भी टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, बहुत ही अच्छे से आप यूज कर सकते हैं इसको, और ये कीजिए आपका बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा गाइस, मैंने यही किया था तो। और वोकैब का आई होप आपको समझ में आ गया कि क्या करना होगा, इससे बाहर आपको इतना ज्यादा नहीं करना है, ये बुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको कवर कीजिए, ठीक है? और अगर आप चाहें एक्स्ट्रा टाइम है आपके पास तो वोकैब के लिए एक और नीतू मैम का जो बुक है ये वाला वोकैब बुक ये भी ले सकते हैं, पर आई डोंट थिंक सो कि ये इतना आपको जरूरत होगा। अगर टाइम है आपके पास तो आप लेके ये कवर कर सकते हैं, इसमें भी जितना प्रीवियस ईयर का बुक है, मतलब प्रीवियस ईयर में आया हुआ जो भी वोकैब है, ठीक है, चाहे वो सिनोनिम्स हो एंटोनिम्स हो, सारा कुछ इसमें नीतू मैम ने कवर कर दिया है खुद से, मतलब स्पेशली देखिए लिखा हुआ है ईच वर्ड हैज़ बीन रिटन बाय नीतू सिंह मैम, ठीक है? 15,000+ वोकैबुलरी। अगर आपके पास टाइम है, आप चाहते हैं कि कंप्लीट एकदम अच्छे से नॉलेज हो वोकैब का, तो आप ये वाला बुक भी ले सकते हैं, ठीक है? तो ये ही बस मैंने यही किया था, और वोकैब अच्छा है। और बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया, लगे आपको इन्फॉर्मेटिव है, काम का है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।